जय श्री राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने आए हैं ये 75 गज में बना हुआ डुप्लेक्स है। अगर इसकी साइज की बात करी जाए तो इसका साइज 14.5x43 है। सामने आपको 20 फीट रोड मिलेगी और लोकेशन की बात करी जाए तो कल्याणपुर न्यू शिवली में ये है। अब डुप्लेक्स के अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप डुप्लेक्स के अंदर आएंगे तो पहले तो आपको पार्किंग एरिया मिलेगा, जहाँ पर अपनी आप बाइक और कार पार्क कर सकते हैं। वॉल पुट्टी पीओपी का काम किया गया है पूरे ही डुप्लेक्स में और समर सेबल भी आपको लगा हुआ मिलेगा, तो पानी की भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। 75 गज में ये डुप्लेक्स बना हुआ है। अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे ही गेट से आप एंट्री करोगे और अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इंडियन बाथरूम मिलेगा। वॉशरूम है ये। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको एक हॉल दिया हुआ है। और इसके आगे अगर आप बढ़ोगे तो आपको पीछे साइड एक रूम मिलेगा। इस रूम में आपको अटैच बाथरूम भी मिलेगा। इस रूम में भी आपको वॉल पुट्टी पीओपी का काम देखने को मिलेगा। इसी रूम में आपको अटैच एक वेस्टर्न बाथरूम मिलेगा जो कि इस रूम के अटैच होगा। अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बात करी जाए तो आपको नीचे दो रूम दो बाथरूम मिलेंगे और नीचे बैक साइड पीछे साइड ही आपको वेंटिलेशन के लिए भी जगह दी गई है, जिससे रोशनी वगैरह आपके मकान में आराम से आएगी। अब हम आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर दिखाते हैं कि कैसा बना हुआ है ऊपर। देखिए, लेडर पे आप देखेंगे तो आपको ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया गया है और साइड में स्टील रेलिंग दी गई है। फर्स्ट फ्लोर पे हम जैसे ही आएंगे, सामने आपको बालकनी दिख रही होगी। बाहर बालकनी है, बालकनी में आपको स्टील रेलिंग दी गई है और फ्लोर पे आपको पत्थर टाइल्स का काम देखने को मिलेगा। जैसे हम अंदर आएंगे आपको आगे साइड एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है जो आपका डाइनिंग एरिया है। काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है और सामने ही आपको बाथरूम दिख रहा होगा जो कि वेस्टर्न रहने वाला है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आपको आगे साइड हॉल, फर्स्ट बाथरूम और उसके बाद जब आप आगे चलोगे तो आगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डक दिया गया है जिससे वेंटिलेशन के लिए, और उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एल शेप में किचन दिया गया है। किचन में आपको ग्रेनाइट पत्थर टाइल्स और सिंक लगा हुआ मिलेगा। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको पीछे साइड एक रूम मिलेगा। जैसा रूम आपको नीचे मिला था सेम वैसे रूम है। इस रूम में भी आपको वॉल पुट्टी पीओपी का बहुत ही खूबसूरत काम देखने को मिलेगा और इस रूम में भी आपको अटैच एक वेस्टर्न बाथरूम मिलेगा। बाथरूम के बाद आपको बगल में ही डक दिया गया है जिससे कि इस पूरे ही डुप्लेक्स में रोशनी और वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था की गई है। अब आपको हम ऊपर टेरेस पर लेके चलते हैं। देखिए, टेरेस में जब हम चलेंगे तो आपको दिख रहा होगा सामने बालकनी दी गई है और जैसे ही हम ऊपर आएंगे तो सबसे पहले तो आपको ऊपर टेरेस पे एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है जो कि काफ़ी बड़ा हॉल दिया गया है। ऊपर आगे साइड आपको बालकनी दी गई है, बालकनी टाइल्स का काम देखने को मिल रहा होगा। चारों तरफ देखिए आबादी है। ऊपर आपको टेरेस में भी सामने एक बाथरूम मिल रहा है जो कि इंडियन रहने वाला है। बाथरूम और वॉशरूम इंडियन। ये आपकी बैक साइड छत है। चारों तरफ आबादी है। गार्डेनिया स्कूल जो कि सिवली पे है, गार्डेनिया स्कूल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ये डुप्लेक्स है। 75 गज में बना हुआ है।
अगर इसकी डिमांड की बात करी जाए तो 48 लाख रुपये 48 लाख रुपीज़ डिमांड है। इसमें बैंक से फाइनेंस भी अवेलेबल है। अगर आप ये डुप्लेक्स विजिट करना चाहते हैं तो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दे देंगे, उस पर कॉल करके आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल AS होम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो अब हम भी चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।